नमस्ते बच्चों, JMK क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बेटे तरीके होते हैं वो सारे तरीकों पे प्रकाश डाला और हर एक के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करके देखे और सभी तरीकों को हमने समझ लिया था, ठीक है। साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी किए और वर्ड प्रॉब्लम भी हमारे समझ में आ गया था, ठीक है। जबकि इस चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में जो है वो ग्राफिकल मेथड होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम जब पूरा चैप्टर कर लेंगे, यानी बाकी एल्जेब्रिक मेथड हम तीनों जब कर लेंगे तब हम लोग अपने आप को ग्राफिकल मेथड पे ले आएंगे, ठीक है बेटे। तो आज वो वक्त आ चुका है कि इस वीडियो के अंदर मैं ग्राफिकल मेथड आपको सिखाऊं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है। हायर क्लासेस में भी जब हम 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, ठीक है बेटे, तो ग्राफ की जरूरत हमें वहां भी पड़ती है। बस वहां पे इक्वेशन ना रह के वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम एक लाइन की इक्वेशन बना रहे होते हैं और वहां पे हम एक रीजन को मतलब शेड कर रहे होते हैं, ठीक है बेटे। तो बहुत ढंग से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल लेके मैं सारी चीजें जो ग्राफिकल मेथड में आपसे पूछी जा सकती हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ और आपके समझ में आए, ठीक है बेटे। चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड पे एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्या लिया है मैंने, ठीक है बेटे। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे कि हमें चेक करना है ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है बेटे। कंसिस्टेंट मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है बेटे। कंसिस्टेंसी की बात हम लोगों ने जब एल्जेब्रिक मेथड किया था उसमें भी हमने बात करी थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कब कहते हैं। तो मैं जरा एक बार आपको याद दिला दूं, ठीक है बेटे, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जरा हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो, ठीक है, a1x + b1y equals to c1 और बेटे a2x + b2y equals to c2। सपोज करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इन जनरल ऐसा अगर है, ठीक है बेटे। तो पहला केस हमने पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो तब हम कहते हैं कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है बेटे, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमें इस तरीके का इस्तेमाल यहां नहीं करना, हमें इसे ग्राफिकली बताना है। तो मैं ग्राफ की इसका आपको प्लॉट करके बताऊंगा कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो ग्राफ कैसा है। ये हम लोग पिछली वीडियोज में भी देख चुके हैं लेकिन आज फिर से एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है बेटे। ओके देखिए जरा, अगर आपके पास ये कंडीशन था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो बेटे उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आता। अगर आप भूल भी रहे हो तो उस केस में क्या आता था, यूनिक सॉल्यूशन आता था, यानी जब ये x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं होता था तो यूनिक सॉल्यूशन आता था उस केस में, और हम कहते थे कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है बेटे। और अगर उसके ग्राफ की हम बात करते हैं तो ग्राफ मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो ये कार्टेशियन प्लेन है तो इसका ग्राफ लाइन पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। एक लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी और दूसरी लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट जो है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, ठीक है बेटे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, और वही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है बेटे। तो यूनिक सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता था ये कंडीशन लगती थी बेटे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, आप समझ गए इस बात को, ठीक है बेटे। और दूसरा कंडीशन था बेटा कि अगर a1 / a2 बराबर हो b1 / b2 के और बेटे बराबर हो जाए c1 / c2 के, यानी ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो उस समय भी कंसिस्टेंट होता था और ये केस होता था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, ठीक है बेटे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस होता था। और इस केस में जो ग्राफ अपना बनता था वो दोनों लाइन्स की जो ग्राफ जो बनाते थे वो कोइंसिडेंट हो जाती थी, मतलब
एक के ऊपर दूसरी हो जाती थी, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती थी, ठीक है बेटे, कोइंसिडेंट लाइंस बन गई। ये कुछ कंसिस्टेंसी की बात हमने ग्राफिकली उस समय मैंने आपको बताते समय ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है बेटे। तो अब आते हैं जरा अपने प्रश्न पे, देखते हैं कि क्या कहानी है इसमें। इसमें बोला है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है बेटे, ग्राफिकली इसे चेक करना है। और कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफिकली हमें सॉल्व भी करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और साथ ही साथ एक काम इन्होंने और कहा है बेटे कि हमें उस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है जो इन लाइनों के द्वारा तथा वाई एक्सिस के साथ बना हो, ठीक है, यानी जो दो लाइंस आपको दे रखी है इन लाइंस के द्वारा तथा वाई एक्सिस के साथ जो एनक्लोज्ड एरिया आएगा, अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे बेटे तो वो एक ट्राइंगुलर रीजन आएगा और उस ट्राइंगल का आपने क्या बताना है बेटा, एरिया बताना है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। एक काम और कर सकता है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछ सकता है कि जो ट्राइंगल बना है उसके वर्टिसेस बताइए, ठीक है बेटे, जो ट्राइंगल बना है। और भी एक बात आपसे पूछ सकता है कि उस ट्राइंगुलर रीजन को शेड कीजिए, ठीक है। तो पहले तो आपसे बोल सकते हैं भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आप चेक करो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आप सॉल्व करो, तो ग्राफिकली आप जब सॉल्व कर दोगे उसके बाद आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि ये लाइंस जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ मिलके जो ट्राइंगल बना रही है उस ट्राइंगुलर रीजन को आप शेड कीजिए, ठीक है बेटे। और यह आपसे पूछा जा सकता है कि उस ट्राइंगुलर रीजन का क्या निकालो, एरिया निकालो। इतने प्रश्न इस टॉपिक पे बनते हैं जो ग्राफिकली हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटे। जरा देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले जो हमारे इक्वेशन दिए हुए थे, ठीक है बेटे, उनको मैंने नोट डाउन कर दिया, x plus 3y equals to 6, ये अपना पहला इक्वेशन था, ठीक है बेटे। और इसके लिए मैंने कुछ, आपको पता है कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, x और y की वैल्यूज आप इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है बेटे, यानी जो x और y की वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे बहुत सारे आप निकाल सकते हो, उनमें से मुझे दो या तीन निकालना चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे मैंने x लिखा और यहाँ पे मैंने y लिखा, मैं जरा x की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ, ठीक है बेटे। अगर मैं x को यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये चीज तो खत्म हो गई, यानी 3y कितना आया 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकालोगे तो बेटे 2 आएगा, यानी जब x 0 आपने लिया तो y कितना आया 2 आया, ठीक है बेटे। और ठीक इसी प्रकार एक बार मैं y को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, y को 0 लिया तो ये चीज वैनिश होगी, यानी x कितना आया बेटा 6, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिया है ये बेटे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट हमने लिया है, तो ये दो ही काफी है ग्राफ बनाने के लिए। और अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ना लिया हो, कुछ अन्य पॉइंट ले रखे हो, तो फिर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट हमें ग्राफ को प्लॉट करने के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा ये पॉइंट हमें मिलते नहीं है, ये x equals to 0 और y equals to 0 रख के दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू हम तभी इस तरीके से निकाल सकते हैं जब ये वैल्यूज इंटीग्रल आ रही हो, इंटीग्रल मतलब इधर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, व्हेन दे कम्स इन फ्रैक्शन, तो फिर हम जैसे नाइन्थ क्लास में सॉल्व करते थे कि भाई एक वेरिएबल को इधर शिफ्ट करते थे, इस टाइप से कर लेते थे बेटा, अगर आपको भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, जैसे x equals to 6 minus 3y और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर जाते थे और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकलती जाती थी, क्योंकि x y पे डिपेंड कर रहा है, तो y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, हम ऐसे भी निकाल सकते थे। या हमारे पास एक तरीका और था कि y equals to 6 minus x upon 3, हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर करके और y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते थे, हमारे पास ये दो तरीके थे। और एक मैंने जो अभी आपको बताया कि एक बार x की वैल्यू 0 डालो और एक बार y की वैल्यू डालो 0 डालो और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, लेकिन याद रहे तभी इस्तेमाल करेंगे
जब इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हो, ठीक है, x जीरो डालने पर y की जो वैल्यू आए वो इंटीग्रल आए, वो फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। और इसी प्रकार x को जीरो डालो तो जो y की वैल्यू आए वो भी फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए। तो फिर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आप फ्रैक्शन में जा रहे हो, आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो उस समय आप x और y के लिए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाइए, और जिसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू आप एज्यूम करो, और उसके अकॉर्डिंगली आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और आपके हिट एंड ट्रायल मेथड से आप ढेर सारी वैल्यू निकाल सकते हो। कम से कम आपको ऐसे 3 पॉइंट चाहिए होंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है बेटे। तो हमारे पास पहले इक्वेशन के लिए ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है बेटे। और इसी प्रकार से हमने दूसरा इक्वेशन लिया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये बेटा दूसरा इक्वेशन था, और इसके लिए भी कुछ हमने ऐसे ही पॉइंट्स निकाल लिए। तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब वही, एक बार x को जीरो डाल के y की वैल्यू निकाल लें, और एक बार y को जीरो डाल के देखें कि x क्या आता है, ठीक है बेटे। तो क्या ऐसा करना संभव है हमारे लिए, और मैंने बताया आपको कि वैल्यूज कैसी आनी चाहिए, इंटीग्रल आनी चाहिए, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन दिस sort of situation will be beneficial for you, ठीक है बेटे। ओके, ध्यान दो, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 assume किया, तो x की वैल्यू जब 0 तो ये वैनिश हो गया, y की वैल्यू यहाँ से आ रही है -4, ठीक है बच्चे। ओके, और नेक्स्ट हमने y को 0 डाला बेटा, तो ये पूरी चीज वैनिश हो गई, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। चलिए, आपने दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और आपने इसे बॉक्स पर डाल दिया। अब वक्त आ चुका है कि हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाएं और उसके ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करें और देखें कि हमारा ग्राफ ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है। ऐसा आया तो भी हमारा ग्राफिकली सोल्यूशन जो होगा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, हमारे जो ग्राफिकली जो पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। और अगर ऐसा ग्राफ बन गया, कोइंसिडेंट लाइन बन गई, तो भी हम कहेंगे कि हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है दे आर कंसिस्टेंट, दोनों में से कुछ भी बन जाए तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है बेटे। प्लॉट करके देखते हैं, जैसे पहले इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमारे पास है उनको अगर प्लॉट करते हैं तो x 0 और y 2 ये वाला पॉइंट आएगा बेटा, और इसे हम लिख भी देंगे 0, 2, ये पॉइंट आपको मिला, और इसी प्रकार और इसे हम अगर पॉइंट ए बोल सकें, ठीक है बेटे। और दूसरा पॉइंट जो आया था 6, 0, दिस विल बी ऑन एक्स एक्सिस, दिस योर 6, 0, ठीक है, हम इसे पॉइंट बी बोल लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन में जब आता है प्लॉट करना है 0, -4, ये पॉइंट है वो 0, एक्स 0 और वाई -4, 0, -4, ये पॉइंट आया आपका, और आप इसे सी कह सकते हैं, ठीक है, और 6, 0 आपने पहले प्लॉट कर लिया है, ठीक है बेटे। अब अगर हम इन्हें जोड़ दें और इनसे लाइन बन जाए इनको जोड़ने से, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके पास आएगी, ये हो गया, और दूसरी लाइन आपने इधर से जो इसको जोड़ी बेटे सेकंड इक्वेशन वाली वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है बेटे। तो ये दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ हमने बनाए उसको अब इस पे मुझे किसके लिए हमने लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करनी है उस इक्वेशन को लिख देना चाहिए यहाँ पे x + 3y = 6, और दूसरा अपना ये था बेटा, यहाँ मुझे लिख देना चाहिए कितना कि 2x - 3y = 12, ठीक है बेटे। अब आप देख सकते हो बहुत ढंग से कि आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, यानी दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब जब भी दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया था उसकी जो दो लाइन आपने प्लॉट करी अपने ग्राफ के ऊपर, ठीक है बेटे, अगर वो दोनों लाइन है एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इसका मतलब हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो ग्राफिकली हमें पता चल गया कि कंसिस्टेंट है, और उसका जो है यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि भाई हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है, और जो इसका सॉल्यूशन आया ग्राफिकली, सॉल्यूशन जो आया वो एक्स की वैल्यू बेटे
सिक्स आई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ये तो आ गया ग्राफिकली सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब बेटे उस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है जो इन लाइंस के द्वारा और वाई एक्सिस के साथ बना हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब देखो आपकी पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये और एक्स एक्सिस ये। अब क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, ठीक है, थीके? तीन साइडों से घिरा हुआ जो क्लोज्ड एरिया आता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है बेटे। तो ये दोनों लाइन जो आपको दी गई थी और जो वाई एक्सिस है उनके साथ घिरा हुआ, ये रीजन आया। अगर मैं इसको शेड कर दूं, ठीक है बेटे, अगर मैं ये एरिया आपका शेड कर दूं, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई उस ट्रायंगल रीजन को आप शेड कर दो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा आपको, ये ट्रायंगुलर रीजन मैंने शेड किया, ठीक है बेटे। और इस ट्रायंगल का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, भी हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये बेस का काम करेगा और ये यहाँ से हाइट का काम करेगा, ठीक है बेटे। और बाकी वर्टिसेस आ गए, तो आप देख सकते हो कि भाई वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ए कितना है 0.2 और बेटे बी कितना आया हुआ है 6.0 और सी कितना आया हुआ है बेटे, सी आया हुआ है 0.-4। और साथ ही साथ आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो यह आता है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड के द्वारा आप एरिया निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बेस कितने यूनिट्स का है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो बेटे 2 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट नीचे है, यानी कुल ये 6 यूनिट का बेस हुआ। आप देख सकते हो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस मेजर किया जाए तो 4 यूनिट आप वाई एक्सिस में बिलो दी ओरिजिन जा रहे हो और 2 यूनिट अबव दी ओरिजिन जा रहे हो, यानी कुल डिस्टेंस जो आपने लिया वो 6 यूनिट का लिया, तो बेस तो 6 यूनिट का हो गया। और आप देख सकते हो बेटे जो अल्टीट्यूड है वो ओ बी कहलाएगा और ये बेटे भी 6 यूनिट है, ठीक है बेटे। तो 6 यूनिट ये भी हो गया और आप देख सकते हो बेटे कि 18 स्क्वायर यूनिट उस ट्रायंगल का एरिया आया, ठीक है बेटे, जो इन दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशन जो आपको 2 इक्वेशन दिए गए थे उनसे तथा वाई एक्सिस के साथ मिलके जो ट्रायंगल बना था उसकी जो एरिया आई वो बेटे आई 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बेटे सारे पार्ट पूछे जाएं, ठीक है। आपसे बोल सकते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करो, आपसे पूछ सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो इसका मतलब तो ग्राफ ड्रॉ पहले करना पड़ेगा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। आपसे पूछ सकते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करो, ट्रायंगुलर रीजन जो बना है उसको शेड करो और उसके वर्टिसेस निकालो। तो जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटे। इनके ऊपर कुछ और प्रश्न आप घर पे ट्राई कर सकते हो और अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आए, ठीक है, बहुत गौर करने वाली बात है बेटे, अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेधड़क होके बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपकी जो भी परेशानी है वो तुरंत दूर की जाएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है बेटे, जरूर दूर की जाएगी। तो अपने टीचर से जुड़े रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ते रहें, ठीक है बेटे। बाहर बिल्कुल भी ना निकलें क्योंकि बाहर निकलने तो बहुत खतरा होगा, ठीक है बेटे। इसलिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें और अपने बड़ों के आज्ञा का पालन करें, ठीक है बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो की चले तैयारी करते हैं।